ये पाप की प्रभुता इनके जीवन पर शक्ति है, खुदाबंद तेरे जीवन शक्ति। मैंने टीच किया कि जब तक संदेह की आत्मा आपके अंदर से नहीं जाएगी, शक का आत्मा अंदर से नहीं जाएगा, तब तक खुदावंत का रूह आपको पूरी तरह से ज्ञान नहीं करेगा। और जैसे ही उस दिन इन्होंने सीखा समझा और उस बात में बने बोले गए, क्योंकि जब तक सोच में है तब तक हालात है। जब सोच में नहीं रहेगा ना हालात रहेगा, ना बीमारी रहेगी, ना शैतान रहेगा, आप पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। मैंने कहा पूरी तरह आजाद हो जाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों हो, कितना भी बड़ा हालात। जिस सिस्टर का नाम प्रकाश है और जे मक्खन मिंडी गांव के रहने वाले हैं, और इनकी गवाही जे बता रहे कि एक साल हो गया था इनके मुंह में छाले हो जाते थे, और जे बता रहे कि पहले छोटा सा एक छाला होता था, उसके बाद पूरी जीभ पर इनके छाले ऐसे फैल जाते थे, जिसके कारण जे बता रहे कि इनको खाना खाने में, पानी पीने में भी बहुत ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि छालों के कारण इनके मुँह से बहुत पानी निकलता था, जिसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके थे। जे बता रहे कि जे अपने गाँव से भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको लीवर में गर्मी है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम सही नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने बताया कि जैसे एक साल से ये प्रॉब्लम थी। जब बता रहे कि जब मेडिसिन खाते तो कुछ समय इनको फर्क रहता, पर ऐसे कुछ समय तक जो अच्छे रहते फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती, कभी एक महीना इनका बीतता, कभी दो हफ्ते बाद ही जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती। मतलब जब बता रहे एक साल पूरा हो गया कि पूरी तरह से जो प्रॉब्लम सही नहीं हो रही थी इनकी, और इसके कारण इन्होंने अपने गाँव से तो मेडिसिन खाई, प्लस इनको फ़र्क ना पड़ने के कारण फिर उन्होंने बहुत अलग अलग और भी हॉस्पिटल से भी मेडिसिन खाई, उससे भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जो बहुत परेशान हो चुके थे, मुंह में छाले होने के कारण जो बात भी नहीं कर सकते थे, इनसे बोला नहीं जाता था, खाना भी नहीं खा सकते, पानी तक नहीं पीते, क्योंकि जो बताते जब पानी पीते तो वो भी इनको बहुत ज़्यादा मुँह में ऐसे लग जाता था, जिसके कारण जो बता रहे जो बहुत ही परेशान थे जो सिस्टर। और जैसे जो सिस्टर बता रहे कि जो मीटिंग में आ रहे थे, तो जो बता रहे कि जब परमेश्वर के दास मास प्रेयर कर रहे थे, तो परमेश्वर के दास के द्वारा वर्ड आया कि जिनके मुंह के रोग हैं, तो ये बता रहे उस समय भी इन्होंने रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनको अच्छा कर दिया, क्योंकि जब भी जो अपना मन बनाते थे कि जो अपनी गवाही देना चाहते थे, तो जो फिर से प्रॉब्लम इनकी शुरू हो जाती थी, पर इन्होंने विश्वास किया, फिर इन्होंने बताया कि जो प्रॉब्लम मेरी फिर से शुरू हो गई जैसे मैंने मन बनाया कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा किया। फिर इनको पर्सनल मीटिंग में बुलाया गया, और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनको उत्साहित किया, टीच किया, और जो बता रहे कि उस दिन फिर इनके लिए जब ले एंड हुई 29 मई को फिर इनके लिए ले एंड हुई थी। आओ हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। कि पाप की प्रभुता इनके जीवन पर शक्ति है, खुदाबंद तेरे जीवन शक्ति से जो बार बार शैतान इनके जीव पर ये शाले जो जख्म बनाता है, इन द नेम ऑफ जीसस आज से हमेशा के लिए शैतान तेरी युक्ति का मैं अंत करता हूँ, तेरी युक्ति का मैं अंत करता हूँ, पूरी तरह से इसके जीवन से, इसकी बॉडी से, इसके मुंह से मैं तुझे बार करता हूँ, नेम ऑफ जीसस चल पूरी तरह। और जो बता रहे कि जैसे इनके लिए लैंड हुई तो इनको उत्साहित किया गया कि अब अपने अपने मन में संदेह नहीं करना, विश्वास करना है। तो जो बता रहे कि जैसे इन्होंने विश्वास किया तो परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से अभी पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है, जो कि जो एक साल हो गया था जो बहुत ही परेशान थे, और आज परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और तारीफ करेंगे जिस परमेश्वर ने इनको एक साल की प्रॉब्लम से, जो इनको परमेश्वर ने आजाद किया, जो कि बहुत ही परेशान थे, इनके मुंह में छाले हो जाते थे, खाना नहीं खा सकते, और जो बता रहे जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इनके सिर पर हाथ आया, इन्होंने रिसीव किया, धन्यवाद दिया, तो आज परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आजाद कर दिया है। अब इनको कोई प्रॉब्लम, अभी खाना भी खा रहे, बोल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पूरी तरह से फ्री, और कोई भी इन्होंने मेडिसिन नहीं खाई, आज परमेश्वर ने इनको आजाद कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। क्या नाम क्या है आपका? जय मसीह पापा जी। जय मसीह। प्रकाश कर रहे। ये प्रॉब्लम आपको कितने समय पहले हुई? इस
साल हो गया थे। एक साल हो गया था। अब एक साल पहले आपने बहुत मेडिसिन खाई? हाँ जी खाई। कोई आराम नहीं मिला? ना। कितनी तकलीफ थी बताओ? जो कोई खाना खुना खाते जलन होती सी। बहुत मुंह में पूरी जीभ पर छाले हो जाते हैं, गले में भी हो जाते हैं? नहीं, जीभ पर होते के गले के अंदर भी हो जाते, गले च भी थे, जीभ च भी। ओ देखो, किसी के एक शाला जीभ पर हो जाए ना तो उसकी हालत खराब हो जाती है। जिनके हुआ उन्हें पता है, एक शाला पूरी इनकी शालों से जीभ फट जाती थी। इतने इतने मोटे शाले जैसे जख्म की तरह हो जाते थे ना, जैसे जख्म होती है। जख्म फैल जाते, फैल जाते पूरी जीभ पर, जख्म हो जाते थे शालों के फटकर। कितना चिर आपने मेडिसिन खाई? काफी चिर खाते रही, जो तो खाने से फर्क ना, फिर वही हार होना। बड़ा लंबा समय मेडिसिन खाई, कोई आराम नहीं मिला। हुन तो 2 महीने हो गए, महीना के मैं छड्डी दवाई प्रभु दी प्रसाद की। क्योंकि जब मेडिसिन से, मेसी ने कहा था मेडिकल साइंस बुरी नहीं, पर सुनो, परमेश्वर ने इन्हें पहली बार छू लिया था, पर इनके मन में संदेह रहा। पहली बार जब आए, जब प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने छुआ और आजाद हो गए, चंगा हो गए। पर ये अपनी टेस्टमनी पर, अपनी गवाही पर, अपने काम पर इन्होंने संदेह किया। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना, देखते हैं एक दो दिन, क्योंकि अगर सोच में है, क्यों लिखा धर्मी जन विश्वास से, अगर हमारी सोच में है कि शायद, हाँ, किंतु परंतु जब हम शब्द यूज करते हैं तो शैतान का वचन पूरा होता है। यही चीज इनके जीवन में हुई। क्या हुई? ये आज से 2-3 हफ्ते पहले अपनी टेस्टमनी देने वाले थे। जब भी मन बनाते फिर हो जाता था। और मैंने इस बार, लास्ट बार मैंने टीच किया कि जब तक संदेह की आत्मा आपके अंदर से नहीं जाएगी, शक का आत्मा अंदर से नहीं जाएगा, तब तक खुदावंत का रूह आपको पूरी तरह से क्या नहीं करेगा। और जैसे ही उस दिन इन्होंने सीखा, समझा और उस बात में बने रहे, बोले क्या है? क्योंकि जब तक सोच में है तब तक हालात है। जब सोच में नहीं रहेगा, ना हालात रहेगा, ना बीमारी रहेगी, ना शैतान रहेगा, आप पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। मैंने कहा पूरी तरह आजाद हो जाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों नहीं, कितना भी बड़ा हालात। उसी तरह से जब इन्होंने बड़ा मन बनाया तो ये एक साल की पुरानी बीमारी से, जो बड़ी तकलीफ में दिखाने पीने यहां सबके सामने, और ये पूरी तरह, अब दिखाओ जी, कैमरा जूम करो, अच्छे से दिखाओ, ये देखो, एकदम से खुदा ने इनकी जीभ को साफ कर दिया, एकदम से, कोई निशान तक नहीं रहने दिया। तारीफ करो जोर से, खुदा तेरे झूले ना, जोर से हाथों को हिला दो, बदल